हेलो फ्रेंड्स, ये 12वीं कक्षा इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चन नंबर 13 एंड से 17 तक के जो क्वेश्चन आपके ग्रेमर बेस पर आते हैं सेक्शन सी में, मैं उनके बारे में आपसे आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसे ध्यान से देखिए, आपको फायदा होगा। पहले इसके इंस्ट्रक्शन को देखना होगा, हमें क्या कहा है उन्होंने, क्या बताया है आपके लिए, क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित हर वाक्य में है जो एरर, एक गलती है। आइडेंटिफाई द एरर, उस गलती का पता कीजिए। एंड अंडरलाइन इट, और उस पर अंडरलाइन कीजिए। राइट द एरर करेक्ट वर्ड एंड एक्सप्रेशन इन द गिवन ब्रैकेट्स, और जो सही है वर्ड एक्सप्रेशन है उनको ब्रैकेट्स में लिखिए। ये तो आपके इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखो इस वाले इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो नहीं किया है, आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बताऊंगा आपको। या नोट कीजिए आप, इस तरह से आपके वो यहां पर एरर दें, इन्होंने एग्जांपल बना रखा है। ये मान लीजिए इस वाले को इरेज कर देते हैं, इस वाली कंडीशन को करेक्ट दे, यहां से देते हैं इसको यहां से एंड करेक्ट दे। अब आपका पूरी तरह से जो इक्वेशन है उस पर पूरे इंस्ट्रक्शन लागू होते हैं। देखो तो इन्होंने एक एग्जांपल बताया आपके लिए, एंड एक लड़की का नाम है, ये टेंथ में जो पहले वाला सिलेबस था उसमें ये लेसन था। एंड फ्रेंक नाम से एक लड़की है, जो डायरी राइटिंग के बारे में बात करते हैं उसमें। एंड इज इन नीड ऑफ द ट्रू फ्रेंड विद, इस वाले जो सेंटेंस का पार्ट है, एंड ये सेंटेंस ये क्लोज है, इसमें इन्होंने गलती की है। उदाहरण के देखिए बताइए, ये गलत है, उन्होंने वहां पर एरर को लिखा है और फिर उसका करेक्शन लिखा है। हमें भी इस तरह आंसर देने हैं, आगे देखते हैं इसमें हमें पता करना है। देखो यहां देखना, हु सी के शेयर हर जॉय जॉयस एंड सोरोज। अब आपको यहां देखना है बच्चों, इसमें क्या गलती है। ये हमारा प्रोनाउन है लड़की के लिए आता है, इसकी बिल्कुल सही है, केन सही है क्योंकि ये प्रेजेंट की बात करें तो केन आएगा। शेयर वर्ब सही है, हर जॉयस सही है, सोरो सही है। अब ये हु में देखते हैं पर इसमें क्या गलती है। मित्रों मैं आपको बताऊं, यहां देखना हु सब्जेक्टिव केस होता है, और ये सब्जेक्टिव केस होता है जिसके बाद में यहां पर वर्ब आनी चाहिए, जो है नहीं हमारे पास यहां सब्जेक्ट है यहां पर, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ना, तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि ये हु गलत है और यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर हुम होना चाहिए। इसका करेक्शन क्या होगा, हुम हुआ। ये हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं, यहां पर देखो एक ये वाली गलती थी, लिखने से मेरे से चूक गए थे। अब आपको मैं इसको सीधा से बताऊं, सी एच लविंग, सी हैज लविंग पेरेंट एंड अबाउट। अब देखो सी के साथ में हैज सही है, ये लविंग सही है, प्रिय यहां पर इसका जेड के रूप में यूज हुआ, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच है, दो सॉरी पार्टिसिपल है, यू नो इट्स ए स्लिप ऑफ टंग, ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, प्रिय माता पिता, तो यहां पर पेरेंट वर्ड गलत है, ये इसको हम यहां लिखेंगे। और इसका जो करेक्शन है सही है इसका पार्ट, उसको यहां पर नोट कर देंगे, पी ए आर ई एन टी एस, यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें ये एस लगेगा, आपको ये प्लूरल फॉर्म में आता है। आगे देखते हैं, 30 पीपल हुम, देखो 30 पीपल हुम जिनको सी, तो ये सही है ऑब्जेक्टिव केस में है, बिल्कुल सही है, यहां पर इससे रिलेटिव क्लोज है, इस क्लोज का सब्जेक्ट ये रहा हूं, ये इनसे हूं, इसके एंटीसीडेंट 30 पीपल से जुड़ा हुआ है। अब 30 पीपल सही है, हूम सही है, सी सही है, कैन कॉल, अब देखो कॉल फ्रेंड कैसे कहेंगे, 30 पीपल के लिए जो उन्होंने नाउन यूज की है वो सिंगुलर है, ये गलत है, यहां पर फ्रेंड्स होगा, ये फ्रेंड गलत है, यहां पर सही क्या होगा, फ्रेंड्स होगा।
ओके आगे देखते हैं अपन वेन सी, ये भी सही है वेन सी इज विद, अब देखो ये गलत है, ये ही के साथ आता है इतना तो सी है तो ये क्या होगा, ये गलत है, यहां पर क्या होगा हर सही होगा, ये हर इसका सही होगा। आगे देखते हैं अपन कुड टॉक अबाउट मैटर्स ऑफ एवरीडे, देखो यहां समझना ये हमारी ये जो क्लोज है इस क्लोज के साथ एक क्लोज जुड़ी हुई है, अब इसके देखो यहां पर तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट है ये यहां पर पास्ट कैसे हो सकता है, तो कुड गलत है, यहां पर क्या होगा केन होगा, यहां पर कुड गलत होगा, यहां इसका सही आंसर है के। इस प्रकार से देखो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, आप प्रैक्टिस करते जाइए, यहां पर आपके नंबर माइनस नहीं होंगे, बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, 5 मार्क्स के जाते हैं और आपको आपने प्रैक्टिस की थोड़ा सा ध्यान रखा तो 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे और एक भी नंबर माइनस नहीं होगा आपका, इस चीज को ध्यान रखें आप और ये आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो को से आप अपने नॉलेज को अपडेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके हर पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक्स।